विद्यार्थीगण कैसे हो सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ हो गए। आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा 6। हिंदी में हम देखें तो हमारा सातवां पाठ दिया गया है बुझो तो जाने। तो यहाँ आपको सातवां पाठ है वो पहेलियाँ दी गई है, तरह तरह की पहेलियाँ यहाँ आपको दी गई है। पहले हम पहेलिया के बारे में जानेंगे, किसे पहेलियाँ कहते हैं, और बाद में हम ये पहेलियाँ सुलझाएंगे। पहेलिया का मतलब होता है किसी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया वाक्य या प्रश्न जिसे हम आसानी से बुझा ना सक और सुलझा भी ना सके। दूसरे शब्द में पहेली का अर्थ होता है कि किसी वस्तु या विषय का वर्णन जिसका उत्तर बहुत हमें सोचकर देना पड़े उसे हम पहेलिया कहते हैं। पहेलिया में बात को घुमा फिरा कर कही जाती है। पहेलिया में ऐसी समस्या होती है कि जल्दी हम हल नहीं निकाला जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं पहेलिया। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। पहेलियाँ यहाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ आपको पहेलियाँ दी है इसलिए छात्रों की विचार शक्ति का विकास होता है, इसलिए आपको ये पहेलियाँ दी गई है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है, उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में भी वृद्धि करती है। पहेलियाँ से हमारा ज्ञान में को तरह तरह की पहेलियाँ दी गई है, तो हम देखते हैं। तो पहले कहा गया है कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल कली जड़ झाड़ बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। वो कहते हैं हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं, अपने फूल कलियां जड़ छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। तो बोलो वो क्या है। आपको तरह तरह के चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र दिया गया है पर्वत का और नदियों का और वृक्ष का। तो इसमें से क्या होगा, तो फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल कली जड़ छाल बीज दे सबको हम सुखी बनाते हैं। तो वो क्या है, तो पर्वत है वो फल देते नहीं है और उसकी फूल कलियां जड़ भी नहीं होते। तो नदी भी ऐसे ही है कि नदी है वो हमें फल देती नहीं है। और इसके बाद है ये पेड़, तो पेड़ है वो हमें फल भी देता है, फूल भी देता है, कली देता है, जड़ छाल बीज सब कुछ देता है और हमें सुखी बनाता है और हरियाली भी फैलाता है। तो उसका जवाब क्या आएगा, वृक्ष फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल कली जड़ झाड़ बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। तो वो क्या है, पेड़ वृक्ष। इसके बाद हमें को दूसरा दिया गया है पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियां झरने के उद्गम हम भूतल के रखवाले। इसका मतलब है हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत ही विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थान का मतलब होता है जन्म स्थान है, हम धरती की रक्षा करते हैं। तो वो क्या है, तो पहले आपको पर्वत के चित्र दिए गए हैं। तो पर्वत है उसमें पत्थर होते हैं, तो पत्थर का जंगल कह सकते हैं। तो हाँ, पर्वतों में पत्थर होते हैं तो पत्थरों का जंगल हुआ, हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, वो पर्वत होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, पर्वत पर पेड़ उगते हैं। तो इसलिए कहा गया है पर हम पर बहुत ही पेड़ उगते हैं और हम नदियों और झरनों के जन्म स्थान है। तो नदियाँ और झरनों है वो वहाँ से निकलती है, उसका जन्म स्थान है, इसलिए इसका जवाब आएगा पर्वत। तो हम आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं, हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, हम नदियों और झरनों के
उद्गम स्थान इसका मतलब जन्म स्थान है। हम धरती की रक्षा भी करते हैं, तो वो क्या है? वो है पर्वत। तो आपको यहाँ पर्वत का चित्र दिखाई दे रहा होगा, वो है पर्वत। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवारे, तो वो क्या है? पर्वत। इसके बाद आपको तीसरा दिया गया है, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जब भर को पानी, खेत सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो स्वयं न पीती का मतलब होता है वो मैं अपना पानी कभी भी नहीं पीती हूँ, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। खेत सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। वो कहता है मेरे पानी से खेत सिंचे जाते हैं। खेत सिंचती, सिंचती का मतलब होता है जब हम खेतों में बीज बोते हैं तब हमारा पाक धीरे धीरे बड़ा होता है और इसमें हम पानी को हम पानी देते हैं। तो वो पानी हम कुएं से या तो नदियों से लाते हैं। तो जो कुएं से और नदियों से हम लाते हैं उसे हम सिंचती कहते हैं। तो खेत सिंचती नाव चलाती, नाव चलाती का मतलब नाव चलाना, नाव चलाती। बहती हूँ मैं मनमानी, मनमानी का मतलब होता है अपनी मनमानी, अपना मन जो आए वो हमें करना, इसका मतलब होता है मनमानी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। इसका मतलब है मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती हूँ, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पास से खेत सिंचे जाते हैं और मेरे पानी में नाव चलती है, मैं अपने मनमाने ढंग से बहती रहती हूँ। तो चलो यहाँ आपको तीन चित्र दिए गए हैं, पर्वत, वृक्ष और नदी। तो है तो हम देख सकते हैं कि नदी है वो अपना पानी, नदी में पानी होता है, वो अपना पानी खुद कभी भी नहीं पीती। वो नदी है वो संसार भर को अपना पानी देती है और पानी ये वो नदी में जो पानी होते हैं इससे हम खेत भी सिंचे सकते हैं और नदियों के पानी में नाव भी हम चला सकते हैं। इसलिए कहा गया है मेरे पानी में नाव चलती है, मैं अपने मनमाने ढंग से बहती हूँ, वो अपने मनमाने ढंग से वो बहती है। तो वो क्या है? नदी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। वो क्या है? नदी। इसके बाद आपको कहा गया, बाद आपको दिया गया है, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझा कर पूछूं हाल। तो तन है मेरा हरा भरा, तन है मेरा हरा भरा का मतलब है मेरा जो शरीर है वो हरा भरा, हरा रंग का है। रस से रहता सदा भरा, उसका शरीर रस से हमेशा भरा रहता है, सदा का मतलब होता है हमेशा। भीतर से मैं हूँ लाल, भीतर का मतलब अंदर, अंदर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझा कर पूछूं हाल, और मैं सबकी प्यास बुझा कर सबका हाल पूछता हूँ। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझा कर पूछूं हाल। इसका मतलब होता है मैं शरीर, मेरा शरीर है हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से मैं भरा रहता हूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल मैं पूछता हूँ। तो वो क्या है? तो आपको यहाँ हाथ, चांद, गरैया और तरबूज दिए गए हैं। तो इनमें से क्या होगा? तो हाथ है उसका रंग तो हरा नहीं होता है और वो प्यास, हमारी प्यास भी बुझाता नहीं है। इसके बाद आपको चांद दिया गया है, तो चांद भी हरा होता नहीं है और वो रस से भी भरा होता नहीं है और वो भीतर से लाल भी होता नहीं है। इसके बाद आपको दिया गया है गरैया, तो गरैया होती है वो भी रस से भरी नहीं होती है, उसका हरा रंग भी नहीं होता है और अंदर से वो लाल भी नहीं होती और हमारी प्यास भी वो बुझाती नहीं है। और इसके बाद आपको दिया गया है तरबूज, तरबूज है वो बाहर से कैसा होता है? हरा,
और अंदर से कैसा होता है? लाल। और वो अंदर से रस से भरा होता है और हमारी प्यास भी वो बुझाता है, तो वो है तरबूज। तो इसका जवाब क्या आएगा? तरबूज। तो तन है मेरा हरा भरा, इसका मतलब तरबूज है। इसका शरीर, इसका मतलब है जो ऊपर का जो भाग होता है वो कैसा होता है? हरे रंग का। तन है मेरा हरा भरा, रस से मैं रहता सदा भरा ले, इसका मतलब है जो तरबूज है इसके अंदर रस होते हैं, इसका रस से मैं रहता सदा भरा। भीतर कहा गया है, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझा कर पूछो हाल। तो वो क्या है? वो है तरबूज। इसके बाद आपको दिया गया है, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। हम दोनों हैं पक्के मित्र, वो दोनों हैं जो पक्के मित्र हैं, करते रहते काम विचित्र। विचित्र का मतलब होता है अनोखा, वो अनोखा काम करते रहते हैं। पांच पांच सेवक है साथ, सेवक का मतलब होता है नौकर, वो पांच पांच नौकर इसके साथ है, लेकिन करते कभी न बात, लेकिन वो एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करते। वो दोनों पक्के मित्र हैं और वो अनोखे अनोखे अलग अलग से काम करते रहते हैं, और उसके साथ पांच नौकरों भी है, लेकिन वो किसी से भी एक दूसरे से वो बात करते नहीं है। हम दोनों पक्के मित्र हैं, हम अनोखा काम करते रहते हैं, हमारे प्रत्येक के साथ पांच पांच सेवक रहते हैं, पांच पांच नौकरों रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी भी बातें नहीं करते। तो वो कौन है? तो हम देख सकते हैं कि आपको चित्र में दिया गया है, पहले क्या दिया गया है? हाथ। तो हाथ है वो दो होते हैं, तो वो दोनों पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। चित्र का मतलब होता है अनोखा, करते रहते ही काम अनोखा। पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो पांच पांच नौकर है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो हाथ है हमारा, उसमें पांच उंगलियां होती हैं, उसे उंगलियां को सेवक कहा गया है। तो पांच पांच सेवक है साथ, और लेकिन कभी न करते वो बात। वो उंगलियां हैं, वो एक दूसरे से कभी बात करती नहीं है, इसलिए कहा गया है लेकिन करते कभी न बात। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। वो क्या है? वो है दो हाथ। दोनों हाथ एक दूसरे के मित्र है, वो दोनों साथ में ही होते हैं और करते रहते काम विचित्र, वो तरह तरह के काम करते रहते हैं। पांच पांच सेवक है साथ, उसकी पांच उंगलियां, पांच पांच उंगलियां इसके साथ, इसके सेवक का मतलब होता है नौकर, तो इसके साथ है। यहाँ उंगलियों को नौकर की कहा गया है, सेवक कहा गया है। पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात, वो एक दूसरे से बात करते नहीं है, वो है उंगलियां। इसके बाद आपको कहा गया है, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो वो कहते हैं कि कभी मैं पतला हूँ, कभी वो छोटा है, तो कभी वो मोटा है, कभी गेंद जैसा, गेंद का मतलब होता है दड़ा, और मेरी कोई बहन नहीं है, बच्चों का मैं हूँ मामा। तो वो कहते हैं मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी मैं बच्चे मुझे मामा कहते हैं। तो वो क्या है? तो हम देखें तो हाथ तो नहीं हो सकते, लेकिन हाथ कभी मोटे या बड़े हो सकते नहीं है, और वो गेंद जैसे भी नहीं होते हैं, और उसकी बहन भी नहीं होते हैं, और हम उसको मामा भी कहते नहीं है। तो हाथ उसका जवाब होगा नहीं। इसके बाद आपको दिया गया है चांद। तो चांद है वो कभी पतला होता है तो कभी मोटा भी होता है, और वो गोल होता है, इसलिए गेंद जैसा भी दिखता है हमें, और उसकी कोई बहन नहीं है, पर हम चांदा को चांदा मामा कहते हैं, इसलिए कहा गया है कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, बच्चों का हूँ मैं मामा।
तो बच्चे सब बच्चे उसे चंदा मामा कहते हैं, इसलिए कहा गया बच्चों का मामा हूँ। तो वो क्या है? चांद। इसके बाद आपको दिया गया है, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, शेर गगन की करती हूँ मैं, आलस सस्ती तक तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, इसका मतलब है सुबह जल्दी से मैं उठती हूँ, सवेरे सवेरे मैं जल्दी उठती हूँ, शेर गगन की करती हूँ। शेर का मतलब होता है घूमना, मैं गगन में घूमती हूँ, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ। सुस्ती का मतलब होता है आलस और तनिक का मतलब होता है थोड़ी। आलस कभी न करती मैं, थोड़ी भी मैं आलस कभी करती नहीं हूँ, हरदम ही कुछ करती रहती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठती, बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और मैं आकाश की ओर से आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो वो क्या है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ आपको हाथ, चांद, तरबूज और गरैया की चित्र दी गई है। तो इसमें से क्या जवाब आएगा? तो बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, गरैया है जो सुबह जल्दी उठ जाती है, और शेर गगन की करती हूँ, वो गगन में उठती है, इसलिए कहा गया है शेर गगन की करती हूँ मैं, आलस सस्ती तनिक न करती, वो कभी आलस करती नहीं है, और हरदम की ही कुछ 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 ना कुछ करती रहती हूँ, और कुछ ना कुछ तो वो करती रहती है, वो है गरैया। तो हम पहले से एक बार ये सारी पहेलियाँ देखेंगे और बाद में मैं आपको नई पहेलियाँ सुनाऊंगी। पहले आपको दिया गया था, फल देखकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल कली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं, वो क्या था? तो वो है पेड़। दूसरा है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले, तो वो क्या है? तो वो है पर्वत। इसके बाद तीसरा आपको दिया गया था, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी, तो वो उसका जवाब क्या था? वो था नदी। इसके बाद, तन है मेरा हरा भरा, रस से मैं रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल, तो वो क्या है? तरबूज। इसके बाद, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात, वो है हाथ, दो हाथ। इसके बाद, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है पर बच्चों का मामा हूँ, तो वो है चांद। इसके बाद, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, शेर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम की ही कुछ करती हूँ मैं, वो क्या है? गरैया। तो विद्यार्थीगण, मुझे आशा है कि आपको ये सारी पहेलियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पहेलियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। अब हम देख मैं आपको दूसरी पहेलियाँ सुनाऊंगी, आपको इसके जवाब देने हैं। तो पहला है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार, सोने की वो चीज़ है उसके पर हम सोते हैं, सोने की वो चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, सुनार का मतलब होता है सोनी, पर बेचे नहीं उसे सोनी, सोने की चीज़ है लेकिन वो सोनी बेचता नहीं है, मोल तो ज़्यादा नहीं है बहुत है उसका भार, मोल का मतलब होता है कीमत, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है लेकिन उसका भार बहुत ज़्यादा है, वजन उसका बहुत ज़्यादा है, तो बोलो वो क्या होगा? तो आप सोचिए क्या होगा वो? सोने के लिए सोने की वो चीज़ है लेकिन उसे सुनार बेचता नहीं है, मोल तो उसके कीमत तो उसके ज़्यादा नहीं है लेकिन उसका भार उसका वजन बहुत बड़ा
है, तो वो क्या होगा, वो है चारपाई। चारपाई पर हम सोते हैं और वो सोने की चीज है, लेकिन उसे सुनार बेचता नहीं है। चारपाई को सुनार नहीं बेचता, सुनार सोना बेचता है। मोल तो ज्यादा है नहीं, उसकी कीमत भी ज्यादा होती है, और उसका चारपाई का भार भी बहुत होता है। इसलिए कहा गया है सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार, वो है चारपाई। इसके बाद दूसरा है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। तो एक नगर है, उसमें कई सारे बहुत सारे चोर है। चोरों का मुंह कैसा है, तो वो चोरों का मुंह काला है। पूछ पकड़ कर खींच दो, उसकी पूछ पकड़ कर जो हम खींचे तो वो झट हो जाए उजाला, जल्दी से एक प्रकाश रोशनी हो जाती है। तो एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला, तो वो क्या होगा, आप मुझे इसका जवाब देना। ठीक है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला, तो उसका जवाब है माचिस। माचिस के अंदर जो तिल्ली होती है वो उसको चोर कहा गया है, और वो तिल्ली के आगे काले रंग का जो होता है उसे चोरों का मुंह का गण कहा गया है। तो एक नगर में ढेरों को माचिस के अंदर जो तिल्लियाँ होती है, ढेरों चोर, बहुत सारे चोर, और चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। माचिस की तिल्ली होती है, उसे हम खींचे तो वो उजाला फैलाती है, इसके लिए कहते हैं झट हो जाए उजाला, वो क्या है, माचिस। इसके बाद, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो पानी है वो मेरा बाप, बाप का मतलब पिता, पानी ही मेरा पिता है और पानी ही मेरा बेटा है, मुंह ऊपर उठा कर देखो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ हूँ, तो वो है बादल। बादल में, बादल को पिता कहा गया है और पानी ही मेरा बेटा, पानी को पिता, पानी ही मेरा बाप, जिसका मतलब है पानी को पिता कहा गया है और पानी को भी बेटा भी कहा गया है। और हम जो ऊपर उठाकर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आते हैं, बादल, और इसे इसलिए कहा गया है मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा हूँ। बादल को हम यहाँ से देखें, नीचे से देखें तो हमें लगता है कि बादल हमारे पर लेटे हुए हैं, इसलिए पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा, वो है बादल। तो विद्यार्थी कर, मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आई होगी पहेलियाँ। तो अब हम इसके बात का जो पाठ है आठवां, वो इसके बाद के वीडियो में देखेंगे।